नाशिक शहर व जिल्हा मुस्लिम उत्कर्ष समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देखील देण्यात आले. 15 कलमी कार्यक्रम राबवून अल्पसंख्याक समाजाचा विकास व्हावा, शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा घेण्यात येऊन तशी संधी द्यावी, अल्पसंख्याकांच्या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचवाव्यात, अल्पसंख्याक समाजातील महिला मुलींसाठी रोजगार शिक्षणाच्या योजना राबवाव्यात, जातीय दंगलींमध्ये बळी पडलेल्या पीडित अल्पसंख्याक कुटुंबियांचे शासकीय पातळीवर पुनर्वसन करावे, उत्तर महाराष्ट्रातील जनतेच्या हज यात्रेचा लाभ मिळावा यासाठी नाशिक मुंबई महामार्ग विमान सेवा सुरू करावी, मौलाना आझाद महामंडळाच्या निधीत वाढ करावी आदी मागण्या यावेळी निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या. अल्पसंख्याक दिन याचे औचित्य साधून या मागण्यांचा विचार करावा अशी मागणी नाशिक शहर जिल्हा मुस्लिम उत्कर्ष समितीचे जिल्हाध्यक्ष शेख हानिफ बशीर यांनी केली आहे. या प्रसंगी निदर्शने करण्यात आली. यावेळी डॉक्टर DL कराड, मुकुंद रानडे, दीपक डोके, तबस्सुम शेख, शफीक कादरी, जावेद पठाण आदी उपस्थित होते. आज 18 डिसेंबर आज जागतिक अल्पसंख्या दिन है और यहाँ हम जो यहाँ आंदोलन के लिए बैठे हम ये भारत गवर्नमेंट जो है इसको जगाने के लिए बैठे हैं हम. यहाँ जो हमारे मांगे जो हमारे गवर्नमेंट हमारे को प्रधान योजना में बोलो या महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो भी योजना है ये योजना के लिए हम सिर्फ माइनॉरिटी का नाम लेके हजारों लाखों रुपये वो सेक्शन करते, लेकिन वो जो योजना है वो योजना का ये जो अधिकारी लोग है वो योजना लाके रिकामी पड़े रहती और वो जो फंड है वो फंड वापस जाता. उसके लिए आज जो अल्पसंख्या दिन है यहाँ तो गवर्नमेंट के लोग बैठने को मांगता था और क्या क्या सरकार भारत सरकार ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या क्या योजना दी ये हमारे जो माइनॉरिटी के लोग है उसको बताने को मांगता और वो उसकी योजना की वो अधिकारी ने आके अमल बजावनी करने को मांगता, लेकिन वो अधिकारी कुंभकरण वो सोए उनको जगाने के लिए आज हम यहाँ सब जमे में है. यहाँ जितने भी छः के छः जाति यहाँ बैठी हुई है. आज हमारे डॉक्टर साहब हमारे सीनियर लीडर वो भी हमारे पास आके बैठे हुए, वो भी हमारे समस्या जानते हैं, इसके लिए आज यहाँ आए. लेकिन हम आने वाले दिनों में अभी ये कुंभकरण जो सरकार है ये सरकार को जगाएंगे. ये जो माइनॉरिटी के जो कार्यक्रम है ये कार्यक्रम 18 दिसंबर को इन्होंने लेने को ना अल्पसंख्या दिन मनाने को मांगता. कलेक्टर ने भी हमारे को बुला के ये योजना है तुम्हारी ये करने को मांगता. जैसे मौलाना आज़ाद फंड वापस जाता है हर साल, जैसे कि बच्चों की शिक्षण के लिए सिर्फ शिक्षण के लिए बोले जाता है, जैसे कि आरक्षण है आरक्षण का भी ये गवर्नमेंट सिर्फ एड़ा बना रही है. मुस्लिम समाज को बोलते हैं आरक्षण दिया गया है, आरक्षण दिया गया तो उसको लागू क्यों ना किया जाता है, वो आरक्षण भी होने को मांगता. जितने भी हमारी जो जो हमारी योजना यहाँ पास होती है वो पास हमारे को अधिकारी ने आके बताने को मांगता. हमारे बच्चों के भविष्य है, ये भविष्य जब ही सुधरेगा. जो हमारे को कलेक्टर के तरफ से मांगनी है हमारी कि कलेक्टर साहब ने हमारे को बुला के ये जो जो योजना जो जो फंड आता है उसकी मालूम देने को मांगता. जय हिंद, खुदा हाफिज, जय महाराष्ट्र. आज अल्पसंख्याक दिवस यानी जिसको इंग्लिश में माइनॉरिटी बोलते हैं, हम उसको मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं मुस्लिम उत्कर्ष समिति नासिक की जानिब की तरफ से. क्योंकि महाराष्ट्र राज्य की तरफ से जो हमें 21 योजनाएं और भारत सरकार की तरफ से जो 19 योजनाएं आई है और जो हर साल फंड आता है वो इस्तेमाल नहीं होने की वजह से वापस चला जाता है और ये योजनाएँ जो धूल खाते पड़ी है, लेकिन हमको इसकी पूरी मालूमात नहीं होने की वजह से इस पे अमल बजावनी नहीं हो रही है. तो आज हमने ये तहरीक नासिक ज़िले से शुरू की है हमारे समिति के ज़रिए कि ये तहरीक यहाँ से शुरू की जाए और जो भी योजना सरकार ने हमारे ऊपर लागू की है तो पूरे नासिक ज़िले से शुरू होकर पूरे हिंदुस्तान में ये तहरीक चलाई जाए. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.